आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है माइंडफुलनेस, यानी कि सचेतन। सचेतनता या माइंडफुलनेस मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम पूरी तरह से अपने वर्तमान या प्रेजेंट में होते हैं, यानी कि हम कहीं मन कहीं वाली स्थिति नहीं होती। वर्तमान में होने के कारण हालात की नवीनता के लिए एक खुलापन होता है। आइए सचेतनता या माइंडफुलनेस की प्रक्रिया को थोड़ा और जानें। जब हम सचेतन होते हैं तब हम उस समय के प्रसंग की तरफ संवेदनशील होते हैं। हम वर्तमान में रहते हैं। हमारा व्यवहार नियमों और दिनचर्या द्वारा शासित होने के बजाय उनसे निर्देशित होता है, यानी कि गाइडेड, नॉट गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रूटीन। सचेतनता या माइंडफुलनेस में विचारों, शारीरिक संवेदनाओं और आत्मीय अवस्थाओं के बारे में जागरूकता होती है। अतः वर्तमान क्षण में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग और सचेत रहने की अवस्था को माइंडफुलनेस कहते हैं। इस दौरान वर्तमान का एक रूप है जिसमें मन, शरीर और परिवेश के बारे में गैर निर्णय यानी कि नॉन जजमेंटल संबंधित जागरूकता होती है। अपनी सचेतनता को वास्तविक वर्तमान के लिए सजीव रखना माइंडफुलनेस कहलाता है। वर्तमान अनुभव की जागरूकता माइंडफुलनेस कहलाता है। वर्तमान क्षण में गैर निर्णयात्मक रूप के उद्देश्य पर ध्यान देना माइंडफुलनेस कहलाता है। माइंडफुलनेस की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। नॉन जजमेंटल, वर्तमान समय का मूल्यांकन ना करना। नॉन स्ट्राइविंग, गैर लक्ष्य उन्मुख, परिणाम या उपलब्धि से जुड़े या अटैच नहीं होना। चीजों को फोर्स ना करना। एक्सेप्टेंस, वर्तमान समय में चीजों को देखने के लिए सोच को खुला रखें। स्वीकृति का मतलब वर्तमान की स्पष्ट समझ है ताकि कोई प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया ना दे। पेशेंस, अपने और दूसरों के लिए धैर्य रखना। ट्रस्ट, खुद पर, अपने शरीर, भावनाओं, सहज बोध पर भरोसा करना है। जीवन को घटित होना है। ओपननेस, पहली बार से चीजों को देखकर वर्तमान क्षण में सभी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देकर संभावना का निर्णय करना। लेटिंग गो, कोई लगाव नहीं, विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर पकड़ नहीं है, उनमें बिना लिप्त हुए गुजरने देना। जेंटलनेस, नरम, विचारशील गुणवत्ता, जेनरोसिटी, वर्तमान क्षण में प्रेम और करुणा। एम्पथी, वर्तमान क्षण में किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को महसूस करने और समझने की गुणवत्ता। हम सचेतन को इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया माइंडलेसनेस को जानकर भी और समझ सकते हैं। जब हम माइंडलेसनेस होते हैं तो हम कड़े या रिजिड होते हैं। जब हम माइंडलेसनेस होते हैं हमारा व्यवहार नियमों और दिनचर्या से संचालित होता है, गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रूटीन। जब हम थोड़ी जानकारी से ही अपनी पूरी समझ बनाते हैं तब हम में माइंडलेसनेस होती है। माइंडलेसनेस के बारे में दो तरह से जानकारी मिलती है, पुनरावृत्ति और एकल प्रदर्शन या कम प्रेरणा, यानी कि बिना स्थिति पर ध्यान दिए हम अपनी आदतन प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देते रहते हैं। इसके कारण मानव व्यवहार में कुछ प्रसिद्ध गलतियां जैसे फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर।
जब हम दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार की व्याख्या करते हैं, तो हम उनके व्यक्तित्व को अधिक और वे जिस स्थिति में होते हैं उसी स्थिति को कम आंकते हैं, यानी कि उनके व्यक्तित्व का दोष ज्यादा मानते हैं। एक्टर ऑब्जर्वर डिफरेंसेस। कुछ गलत होने या घटने पर हम खुद के लिए परिस्थिति के कारण और दूसरे को उसके व्यक्तित्व या व्यवहार के कारण मानते हैं। सेल्फ सर्विंग बायस। हम अपने सकारात्मक परिणामों के लिए आंतरिक गुण या खुद को, लेकिन नकारात्मक परिणामों के लिए बाहरी कारण या परिस्थिति मानते हैं। रिग्रेट्स। पश्चाताप दो शर्तों के तहत होता है। पहला है जब हमने कुछ कार्रवाई की और दूसरा है जब हमने अपने द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया और पश्चाताप हुआ। यदि हमने तब अलग तरीके से चुना होता तो हम अब बेहतर महसूस कर रहे होते और पश्चाताप नहीं होता कि हमें ऐसे या वैसे करना चाहिए था, यानी कि तब हमने माइंडलेसनेसली काम किया। माइंडफुलनेस की धारणाएं निम्नलिखित है। मनुष्य आम तौर पर अपने पल पल के अनुभव से काफी हद तक अनभिज्ञ होते हैं, जो अक्सर स्वचालित पायलट मोड में काम करते हैं। हम सचेतन ध्यान लगाकर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की क्षमता विकसित करने में सक्षम हैं। इस क्षमता का विकास कर्मिक प्रगतिशील है और इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अनुभव के पल पल की जागरूकता जीवन को समृद्ध और अधिक महत्वपूर्ण समझ प्रदान करेगी। अनुभव के रूप में अधिक उज्जवल और सक्रिय हो जाता है। मन की भागीदारी आदतन प्रतिक्रिया की जगह लेती है। इस मानसिक प्रक्रिया का ऐसा नियंत्रण गैर मूल्यांकनात्मक अवलोकन यानी कि नॉन इवैल्यूएटिव ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे धारणाओं की अधिक वास्तविकता को जन्म देगा। बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं के लिए अपनी स्वयं की मानसिक प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक सटीक धारणा हासिल की जाती है। आंतरिक जानकारी एकत्रित की जाती है जो दुनिया में प्रभावी कार्रवाई को बढ़ाएगी और नियंत्रण की एक बड़ी भावना पैदा करेगी। माइंडफुलनेस ध्यान रोज करें। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। अपने विचारों को कल या आज में घूमने देने के बजाय वर्तमान में रखें। अपनी सांस लेने पर ध्यान दें और पूरे शरीर में सांस लेने के प्रभावों का अवलोकन करें। अपनी सामान्य दिनचर्या को जल्दी करने के बजाय धीमे करें। सुबह के बारे में कुछ विशेष आनंद लें, जैसे एक फूल जो खिल गया, पक्षियों की आवाज या पेड़ों में हवा। अपने काम या स्कूल के रास्ते पर ध्यान दें कि आप पैदल कैसे चलते हैं या ड्राइव करते हैं या सवारी करते हैं। अपने पूरे शरीर को आराम देते हुए कुछ गहरी सांसें लें। लाल बत्ती पर रुकने पर अपनी सांस पर ध्यान दें और अपने आसपास के परिदृश्य का आनंद लें। जब आप अपने नए कार्य, काम, स्कूल आदि पर पहुंचते हैं, तो अपने आप को उन्मुख करने के लिए कुछ क्षण लेते हैं। होश पूर्वक और शांति से सांस लें, अपने शरीर को आराम दें, फिर शुरू करें। अपने डेस्क या कीबोर्ड पर बैठते समय शारीरिक तनाव के सूक्ष्म संकेतों से अवगत हो जाएं और इन्हें कम करने के लिए चारों ओर घूमने के लिए ब्रेक लें। दिन में दोहराई जाने वाली घटनाओं का मिनी विश्राम के संकेत
के रूप में उपयोग करें, जैसे रिंगिंग टेलीफोन, दरवाजे पर एक दस्तक, हॉल के नीचे चलना आदि। अपनी कार या बस में सावधानी से चलें। क्या आप वातावरण में कुछ नया देख या सराह सकते हैं? क्या आप बिना हड़बड़ी के चलने का आनंद ले सकते हैं? जैसे ही आप घर लौटते हैं, तब होश पूर्वक अपने घर के वातावरण में अपनी गर्म जोशी से बदलाव ला सकते हैं। माइंडफुलनेस के फायदे: स्वास्थ्य, अवसाद को रोकना, जीवन शैली बेहतर आदि। कल्याण, लचीलापन, तनाव में कमी। संज्ञानात्मक कौशल, ध्यान, बेहतर स्मृति। भावनाओं का स्वनियमन, पारस्परिक कौशल, संचार, मुखरता। नेतृत्व, निर्णय लेने, परिपेक्ष्य। टीम विकास, दूसरों की जरूरतों के बारे में जागरूकता। सकारात्मक मानसिक स्थिति, आत्मज्ञान, आत्म जागरूकता, आत्मसमझ। आशा करते हैं कि आप ये जानकर और अधिक सचेतन रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।